अब जानते हैं सर्किल के बारे में। सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ द सर्किल? जिससे पूछेंगे वो मुझे बताएगा सर्किल क्या होता है। गलत सही कुछ भी आंसर करना है आपको, ठीक? चलो अनुषा तुम बताओ। क्लोज फिगर, एक मिनट अभी तुम्हारे पे आएंगे। क्लोज फिगर ये भी है, इज इट सर्किल? नहीं, ये सर्किल नहीं है। इन अ सर्कुलर वे, तो सर्किल का यूज़ ही नहीं करना है जब सर्किल के बारे में पूछेंगे। सर्कुलर कहाँ से आ गया, उसकी प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, जो चीज़ अभी डिफाइन ही नहीं है उसकी प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते। पहले डिफाइन करिए व्हाट इज़ अ सर्किल। तो बताओ पलक, गोल सा, फुटबॉल भी गोल होती है, सर्किल है। ऐसे तो बात नहीं बनेगी। नो एंगल है, नो साइड, बहुत सारे एंगल हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट एंगल हैं, साइड्स भी इनफाइनाइट हैं। नहीं, ये सब तो तुम सर्किल को बता रही हो, सर्किल की प्रॉपर्टी बता रही हो। कुछ ही बताओ, बस ट्राई तो कर रहे हैं बच्चे, देखो ना। अच्छे अच्छे राउंडेड एंड क्लोज फिगर, राउंडेड एंड क्लोज फिगर ऑल द टाइम हैविंग सेम रेडियस। तो फिर रेडियस तो तुम सर्किल की प्रॉपर्टी नहीं है सर, नहीं। तुमने जो बताया वो बॉल भी तो हो सकती है इंटरनली, इसीलिए वो नहीं ले रहे हैं। फिर सेंटर ले लिया आपने, सेंटर भी नहीं ले सकते। यानी कि सर्किल के अंदर जो कुछ भी होता है वो आप यूज नहीं कर सकते, उसके बिना आपको सर्किल को डिफाइन करना होता है। हाँ, कर्व यूज कर सकते हो, इट इज ए कर्व। जी लास्ट में बताओ वैष्णवी। ये भी वही, तुम बताओ। टू डायमेंशनल सबसे इम्प्रूव कर लिया लगे तुरंत। देखो टू डायमेंशनल, आगे कर्व्ड, क्लोज्ड सरफेस, फिगर। टू डायमेंशनल है, सर्कुलर कर्व्ड है, और क्या क्या बोला था? क्लोज्ड है। अंडा भी तो, अंडे का शेप भी तो हो सकता है, इलिप्स है हालांकि ये, ठीक है। तो फेल हो गए आप लोग सर्किल के बारे में जानने में। बताइए क्लास 10 तक आप आगे किसी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया व्हाट इज अ सर्किल? नहीं पढ़ाया आपको किसी टीचर ने, इसका मतलब व्हाट इज द सर्किल? क्यों अंशिका, कंपटीशन में कैसे जाओगी जब सर्किल के बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हैं? सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है ना कि आपके जो बेसिक्स हैं क्लास 6 से वो इतने वीक हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि कोई उस पर ना ध्यान देता है, ना आप उस पर ध्यान देते हो, ना कोई टीचर पढ़ाना चाहता, ना आप पढ़ना चाहते हो। और वही कंपटीशन आईआईटी, नीट, जेई, क्लैट, कैट, इन्हीं कॉन्सेप्ट को उठा करके एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपके आपके सामने रख देते हैं और आपके हाथ पर फूल गए। अरे ये क्या चीज़ होती है? मैंने एक बार वो पूछ लिया था सेंट्रॉयड क्या होता है, एक बार पूछा था इनसेंटर क्या होता है, उसी ने पूछा था ना, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, और सब पढ़ाया भी था। मैं दोबारा कभी पूछूंगा पलक तुम्हें से, मुझे मालूम तुम्हें नहीं आते, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तुम नोट तो करती नहीं हो। जब भी मैं कुछ पढ़ाऊँ तो सिर्फ कॉपी पेन लेके नोट करिए उसे, वो जिंदगी भर के लिए आप एक नोट कॉपी बनाते चलिए। जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो आपके 12th MSc पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक हमेशा काम आएगा। आप उसे नोट ही नहीं करते हो, आपको लगता है बुक में सब कुछ है, बुक में वाकई में सब कुछ है, वो आपके पल्ले नहीं पड़ती। मगर पल्ले वही बात पड़ती है जो मैं समझाता हूँ और वो आप नोट नहीं करते, वो स्किप हो जाता है, वो भूल जाते हैं कुछ दिन बाद, ठीक। तो उसको अवॉइड करने से, अवॉइड मत करिए उसको, तो नोट कर लिया करो, ठीक है। जो कुछ पढ़ाओ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दो उसे नोट रखो, ठीक। नोट रखोगे तो तुम इम्प्रूव करोगे, आगे जाओगे। आज सर्किल पढ़ाने जा रहा हूँ, सर्किल पूछूंगा 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब कोई नया चैप्टर मैं खत्म करूंगा तब पूछूंगा सर्किल क्या होता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, सर्किल की डेफिनेशन दो तरह से है, दो तरह से इसको डिफाइन किया गया। डेफिनेशन का मतलब डिफाइन करते हैं, कोई जरूरी नहीं उसे हम इंग्लिश में पढ़ाएं, उसे हिंदी में पढ़ाएं या मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाएं। प्रॉब्लम क्या है सर्किल के साथ, सर्किल की जो प्रॉपर बात है वो समझना पड़ेगा हमें। सर्किल क्या था, व्हाट इज अ सर्किल? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्किल क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। अगर हम सर्किल के बारे में बात करेंगे तो क्या है, कलेक्शन
ऑफ ऑल ऑल पॉइंट्स, यहां तक बात कंप्लीट नहीं हुई, कॉमा यहां पे, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच which remains at a constant distance from a fixed point. फिर समझिए, collection of all points which remains at a constant distance from a fixed point. अभी complete नहीं हुआ यहाँ पे. This distance is called as radius. And fixed point is called as center. Now, अब ये first step हुआ हमारा. अब ये हमारी बात complete हुई. देखिए, collection of all points which remains at a constant distance from a fixed point. ठीक? Collection of all points. ठीक, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कोई पॉइंट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होंगे, ऐसा ग्रुप ऑफ पॉइंट, पॉइंट का ग्रुप है ये, किसका है ये सर्किल, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स का ग्रुप है जो कि हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. क्लियर, फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्किल, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्किल. नाउ इट इज क्लियर, पक्का, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं. इसमें हमने सर्किल को डिफाइन किया, सर्किल के रेडियस को डिफाइन किया, सर्किल के सेंटर को डिफाइन किया. क्लियर है ना, पक्का. नाउ अब आते हैं थोड़ा जनरल टर्म पे. ठीक, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस. दूसरी डेफिनेशन, दूसरे तरीके से समझिए जरा ध्यान से. एक बात खत्म हो गई, लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, विच मूव्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस या कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट डिस्टेंट. क्लियर, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विद अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, या फिक्स्ड डिस्टेंस भी कह सकते हैं. देखो दोनों बातों का मतलब समझते हैं थोड़ा डिटेल में. ये सर्किल का शेप आप जानते हैं. इससे पहले समझते हैं, ये जो लाइन बनी हुई है ये क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट विद ए फिक्स डिस्टेंस, सही है. पहले दूसरी डेफिनेशन थी, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक कोई पॉइंट है, पी नाम दिया उसको हमने, ये इस पॉइंट का लोकस है. अब आपके दिमाग में होगा लोकस क्या होता है भाई, है ना, लोकस क्या होता है, लोकस का मतलब होता है सिंपल मतलब पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, कोई पॉइंट है, जैसे पॉइंट ये है, ये मूव करके ऐसे से जा रहा है कहीं, तो इसने जो भी ये यहाँ से यहाँ तक चला है, यहाँ पहुँच गया, अभी पी उठा के यहाँ पहुँच गया, वही पी पॉइंट यहाँ आ गया, पी डैश. ठीक, पॉइंट पी है, इसने जो रास्ता बनाया, जो पाथ ट्रेस किया, उसी को कहते हैं लोकस ऑफ दिस पॉइंट. क्या कहते हैं इसे, इट इज़ अ लोकस ऑफ दिस पॉइंट, ये जो कर्व बना ये क्या, इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट पी, नथिंग एल्स. क्लियर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं. तो अब पॉइंट पी को हमें मूव कराना है, सही, पॉइंट पी को हमें क्या कराना है, मूव कराना है. तो पॉइंट पी के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या क्या कहा गया है.
पॉइंट पी है जो मूव तो करेगा, ठीक है मूव करेगा भाई, पॉइंट पी मूव कर रहा है, ठीक। कंडीशन थी इट इज़ अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, वो पॉइंट हमने पी मान लिया, विच मूव्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स कर दिया ओ, ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ठीक, विद अ फिक्स डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस मान लिया हमने 2 है सेंटीमीटर, आपको समझाने के लिए फिक्स है, ये बदलेगी नहीं, 1.9 नहीं होगी, 2.1 भी नहीं होगी, ना तो ये 1.9 होगी, 2 से ज़रा से भी कम नहीं हो सकती, 2 से ज़रा से भी ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इस पॉइंट को आप मूव करा के दिखाइए मुझे, इसकी मजबूरी है ऐसे ही घूमेगा, ये घूमेगा ना, क्योंकि जैसे ही इससे आगे गया 2 पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा 2 से, और अगर ये अंदर आया तब भी ये 2 से कम हो जाएगा, क्लियर। तो ये मूव कैसे करेगा, बिल्कुल ऐसा सर्कुलर वे में मूव करेगा, इमेजिन करके सोचिए, क्लियर, पक्का समझ आ गया सर्किल क्या होता है। अब सर्किल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक समझ आ गया, तो ये सर्किल था, सर्किल हमें समझ में आ गया, आगे की बात करते हैं। सर्किल में और क्या क्या होता है थोड़ा समझ लें इसको, बहुत सिंपल तरीके समझेंगे इसको, ज़्यादा नहीं। हमने कहा यहाँ पे एक सेंटर होता है भाई, सेंटर इसका, सर्किल का एरिया कितना होता है, इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। ये जो रेड कलर से ये है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस सी, सी इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर, यानी कि अगर हम यहाँ से कहीं कट लगा दें तो इसको जब खोलेंगे तो एक रस्सी जैसा बन जाएगा ऐसा, है ना, क्लियर, सही। एक लोहे का तार लीजिए, सर्किल बनाइए, जो काट के सीधा कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा ना बड़ा सा सर, तो ये जो उसकी लेंथ है ये सी ही होती है, सही। सी क्या होगी, 2 पाई आर, सी फॉर सर्कमफ्रेंस, इसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सही। अब बात करेंगे आर्क की, सर्किल के आर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक। जैसे हमने यहाँ से पार्ट ले लिया ए से लेकर बी तक का हिस्सा, अगर इसको कंसिडर करें इतने पार्ट हो गए, तो ये क्या आर्क ए बी है, क्या है आर्क ए बी, क्लियर, ये क्या कहेंगे आर्क ए बी, सही। अब ये आर्क छोटा वाला है या ये वाला बात कर रहे हैं हम, ये कैसे डिफाइन होगा, मेजर आर्क और माइनर आर्क, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये है मेजर आर्क, मेजर ए बी ऐसे दिखाते हैं, ठीक, और अगर छोटे वाले की बात कर रहे हैं तो माइनर ए बी, माइनर आर्क ए बी, सही, आर्क समझ आ गया। अब बात करेंगे इसके कॉर्ड की, ठीक, अभी इसकी बात करेंगे इसके कॉर्ड की, कॉर्ड क्या होता है समझते हैं, सर्किल में सर्किल के सर्कमफ्रेंस के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। व्हाट इज अ कॉर्ड, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। हमने कहा भाई एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये ले लिया, इसको मिला दिया, ये क्या है कॉर्ड। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट अगर मैंने ए बी कहा था तो ये एक ए बी आर्क भी है और एक ए बी कॉर्ड भी है, सही। अगर हम ए बी खाली लिखेंगे तो ए बी से कॉर्ड भी है, ए बी से आर्क भी है, ठीक। बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको जिसमें कॉर्ड और आर्क दोनों से ही आंसर एक ही आता है, तो जब भी मैं कभी आर्क बोलूँगा आप कॉर्ड समझ सकते हैं, कॉर्ड बोलूँगा तब भी आर्क समझ सकते हैं, ठीक, प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से बस, सही, ठीक। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज अ डायमीटर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज डायमीटर, सही, पक्का। अब बात करेंगे इसके सेक्टर की, व्हाट इज अ सेक्टर, सेंटर से एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, ये जो बना ये रीजन ये है सेक्टर, क्या कहेंगे इसे, ये सेक्टर है, ये एक कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, ये एंगल को हमने कहा थीटा, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक, ये कोई एंगल होगा, सही। तो ये सेक्टर क्या है, इसे क्या कहेंगे हम, सेक्टर कहेंगे, ठीक। जैसे आप जो पिज्ज़ा खाते हैं ना वो क्या होता है, एक्चुअली वो सर्किल को पिज्जे का सेक्टर होता है, ध्यान से देखो ऐसे ही बनता है ना, सही, तो वो सेक्टर हो गया, सही। अब थोड़ा इस सेक्टर को समझते हैं, ये सेक्टर भी 2 है, एक ऊपर वाला जो बचा वो बड़ा उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर, ये भी तो थीटा हो सकता है भाई,
ये भी तो थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कोई एंगल। तो हम क्यों, हम इस किस सेक्टर की बात करें, कैसे पता चलेगा? यानी ऊपर वाला जो है वो मेजर सेक्टर, नीचे वाला माइनर सेक्टर। समझ आ गया? मेजर सेक्टर समझ आ गया, माइनर सेक्टर समझ आ गया। अब बात करेंगे सेगमेंट की। इस कॉर्ड ने सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस कॉर्ड ए बी ने सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। अपर पार्ट दैट इज द मेजर पार्ट, इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। ये सेगमेंट है भाई, ठीक। और ये क्या है? माइनर सेगमेंट है ये। कॉर्ड जब बनाएगी तो सेगमेंट बनाएगी, और अगर आर्क बना रहा है सर्किल को अलग कर रहा है तो वो क्या होगा? सेक्टर होगा। ये क्या है? सेक्टर। सही, सेक्टर। और ये क्या हुआ? सेगमेंट हुआ। समझ आ गया बात? सेक्टर क्लियर, सेगमेंट क्लियर, सही। अब बात करेंगे इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालें। इस सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं? देखिए ध्यान से, सेक्टर का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। और यहाँ पे वही सर्किल के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वही लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? सर्किल के एरिया का फॉर्मूला। उससे पहले क्या लगा देंगे? थीटा अपॉन 360, बस। सही, तो क्या आ जाएगा हमारा? सर्किल का, सॉरी सेक्टर का एरिया आ जाता है। सही, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अब बात करेंगे, यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक है, ये क्लास नाइन्थ में भी नहीं और पहले की चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई आज, ठीक। अब आपको बताए जा रहे हैं क्लास टेंथ में हमें पढ़ना क्या इस चैप्टर में, ठीक। कुछ भी हो, उससे क्या दिक्कत है, अब भूल जाओ नाइन्थ में सब। अब बस बड़ी क्लास में आ गए तुम, इतना ध्यान रखो। बड़ी क्लास का मतलब अब कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। सर्किल में बेसिकली 21 थ्योरम्स हैं। यहाँ पे सेंटर है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर लें, नहीं तो मज़ा नहीं आएगी। ये रहा सर्किल, ये कोई आर्क है ए बी, ये कोई आर्क है ए बी, ठीक। इस आर्क ए बी ने सेंटर पर कोई एंगल बनाया, मतलब ए से इसने सेंटर को ज्वाइन किया ओ को, और यहाँ ऐसे ही बी ने ज्वाइन किया ओ को, ठीक, क्लियर। ये जो भी यहाँ एंगल बनाएगा, ठीक, सेंटर पे, वही कॉर्ड, सॉरी वही आर्क ए बी। देखो अब मैं आर्क ए बी कह लूँ या कॉर्ड ए बी कह लूँ, एक ही बात है मेरे लिए। ये ए बी एक कॉर्ड है, ध्यान से देखो, ए बी कॉर्ड के दोनों पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे सेंटर पे तो वही एंगल बनेगा जो कॉर्ड, जो आर्क बना रहा है, ठीक। तो यानी कि कॉर्ड प्रॉपर्टी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? कॉर्ड प्रॉपर्टी, सर्किल की कॉर्ड की प्रॉपर्टी, कॉर्ड की प्रॉपर्टी है ये, ठीक। लेकिन आप इसे इसे आर्क पे भी लगा सकते हो, एक ही बात है, ठीक। आर्क और कॉर्ड के लिए ये प्रॉपर्टी सेम होती, इक्वल होती है। एंगल सबस्टेंडेड बाई एन आर्क और कॉर्ड, एंगल सबस्टेंडेड बाई एन आर्क और कॉर्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर पे जो ये एंगल बना रहा है इज डबल ऑफ द सर्कमफ्रेंस, डबल दैट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। मतलब अगर ये कॉर्ड ए बी या आर्क ए बी सर्कमफ्रेंस पे भी बना दे कोई एंगल ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल होगा, अगर ये है 50, अगर ये है 50, तो ये कितना होगा? 100 होगा। सेंटर पे डबल होता है हमेशा। इसी का उल्टा प्रोसेस कि सेंटर पे जितना बनाएगी उसका हाफ सर्कमफ्रेंस पे बनाएगी कोई कॉर्ड, सॉरी सही, एंगल सबस्टेंडेड बाय द कॉर्ड और आर्क एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ दैट ऑफ द सेंटर, दैट ऑफ द एट द सेंटर। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? पक्का सही? क्लास नाइन्थ में आपने सर्किल पढ़ा था? Yes, sir. उसमें उसमें एक प्रॉपर्टी थी कॉर्ड प्रॉपर्टीज। Yes. आपको याद है? Yes, sir. क्योंकि मुझे लगता है चैप्टर को स्प्लिट कर दिया गया। हाँ,
स्प्लिटिंग है हो गई, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये समझ आ गया? तो ये हो गई हमारी पहली थ्योरम, थ्योरम नंबर वन, ठीक, कि जो सेंटर बनाएगा उसका हाफ सर्कमफ्रेंस बनाएगा। इसी का कन्वर्स उल्टा है कि अगर सर्कमफ्रेंस बना रहा है तो उसका डबल सेंटर बना देगा। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? आगे देखते हैं। अभी वो सब वो नाइन्थ में था, रिवाइज कराना पड़ेगा। चलिए देखिए, अब जल्दी हो जाएगा, नाइन्थ का रिवाइज कराना आसान है। ये कोई कॉर्ड है, ठीक, और ये सेंटर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, नॉट बेस, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ ना, आप वही मन में रिवाइज किया करो, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो इजीली लर्निंग होता है, इजी टू लर्न होता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये परपेंडिकुलर हुआ भाई, सेंटर से हुआ, बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्लियर? ये पढ़ा था आपने नाइन्थ में? ठीक, हाँ। इसी का कन्वर्स उल्टा, अगर बाइसेक्ट कर रहा है इट मस्ट बी परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम। अरे रुक जाओ, नहीं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। अगर ये कॉर्ड है 5 सेंटीमीटर की और यहाँ भी कहीं 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, तो ये सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में से लेते हैं, है ना, सीधी दूरी। ये दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी ये होगी, यानी ये और ये बराबर होंगे डिस्टेंस। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। दो हो गई थ्योरम नाइन्थ वाली, फिलहाल आपका इसमें यही लगेगा, ठीक है। तो नाइन्थ के मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिए सारे, एट्थ के बेसिक पढ़ा दिए, नाइन्थ के बेसिक पढ़ा दिए, अब टेंथ का भी पढ़ा चुका हूँ। आने दो, है इसमें, इसलिए जो चीज़ होल्ड कर देता हूँ ना, इसका मतलब आपको पढ़ाऊंगा मैं, जो होल्ड नहीं कर रहा मतलब वो पढ़ा दिया है, कुछ बचेगा नहीं इसमें, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बचेगा जो मैंने ना पढ़ाया आपको। हम ये मान के चलते आपने पढ़ा ही नहीं कभी, सर्किल देखा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, लेकिन हमारा मेन काम किसे चल जाएगा, वही एंगल वाली प्रॉपर्टी से, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जरा देखो इसका डायग्राम है, इससे इसके डायग्राम से हमें कोई मतलब नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। इसके सोल्यूशन को मत देखिएगा, सोल्यूशन को नहीं देखना, आपको दिमाग में रखना है, आपको सोल्यूशन नहीं देखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बुक नहीं खुलेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल बी ओ सी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में? ये वाला पोर्शन, ये वाला दिखाई पड़ा? ये वाला देखो, बी ओ सी दिखाई पड़ा, ये एंगल पक्का, एंगल बी ओ सी कितना, ये 30 डिग्री दे दिया गया भाई, सही है, ओके मान लिया हमने। सिमिलरली एंड ए ओ बी, ए ओ बी 60 डिग्री दे दिया गया, सही है भाई, 60 डिग्री हो गया ये, नो प्रॉब्लम, सही। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल, डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल, ओके, अदर देन द आर्क, पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड ए डी सी। हमें सिंपल ए डी सी निकालना है, बोलना नहीं कोई, कोई नहीं बोलेगा, मुझे मालूम है आपको आधा आता है आधा नहीं आता है, ठीक। तो ए डी सी हमें निकालना है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक, कोई आर्क है या कोई कॉर्ड है, सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसी का हाफ सर्कमफ्रेंस बना देता है ना। चलो पलक बता बेटा, क्या होगा ए डी सी की वैल्यू? फोर्टी फाइव गलत है, तुम बताओ। युविका तुम बताओ। 180। तुम बताओ।
180। शिकार नहीं, तुम्हें नहीं पूछेंगे अभी। फंसाया पलक बेटा, तुम्हारा आंसर सबसे सही था 45 डिग्री। अगर तुम्हें 45 कहते तो ये लोग भी कहते हाँ 45 होगा। ये शिकार मेरे जाल फंसते हैं, दो दो इनको मैंने फंसाया, दोनों लोग को। देखो ध्यान से, देखो बेटा आप दोनों लोग ध्यान से देखो, सभी को पता ना 45 होगा। देखिए ये एंगल कितना है, इन दोनों का सम बताओ जरा, 60 + 30 कितना हुआ 90। डी जो है, जो डी एंगल बना वो बना कौन रहा, ए और सी बना रहे हैं, वही ए और वही सी, उनको सेंटर में ज्वाइन किया गया, ए ओ ए को ज्वाइन किया गया यहाँ पे, ये आई लाइन, ये आई लाइन, सही है। ये एंगल कितना बना 90, 60 + 30 90 का हाफ 45, बस 45 हो गया, समझ आया। तो कहाँ से 180 तुमको दिख रहा था एंगल, मुझे अपने इन अच्छे बच्चों को सिखाना है बहुत कुछ, इनके साथ की टीचरों ने पेरेंट्स ने थोड़ा लापरवाही हुई है, टीचर्स ने गलत पढ़ाया इन्हें, इन्हें किसी ने सही नहीं पढ़ाया है, ये मेरे पास आए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बिल्कुल ठीक कर दो उनके सारी प्रॉब्लम्स को, कैसे भी ठीक कर दो, मेरे खास बच्चे हैं। बता बेटा 180 कैसे, 180 तो सीधी लाइन होती है, देखो इसका कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ले लो ये 180 हो गया। तुमने 180 कैसे बताया, सुन के बताया था हैं? अच्छा 90 का डबल कर दिया था, ओके लॉजिक समझना पड़ेगा ना, हाँ डबल किया तो ठीक है, लेकिन डबल नहीं होता है, ठीक है। जो सर्कमफेरेंस होता है उसका, जो सेंटर पर उसका हाफ होता है सर्कमफेरेंस। वैसे भी ध्यान से देखो ना, ये पतला सा नहीं लग रहा है देखने में, पतला ये बड़ा है नहीं ऐसा लग रहा है, अभी इसे क्लीन करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखो जरा, ये एंगल और ये एंगल दोनों में कौन बड़ा लग रहा है, सीधी बात है बड़ा, ये छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, बड़े से छोटा होना 90 का आधा कर दो 45, ठीक है समझ आ गया। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फिर से सोल्यूशन नहीं देखना है, सोल्यूशन देखोगे तो छापा खाना खोल लोगे, बस दिमाग में होना चाहिए आंसर, मैथ यहाँ होती है, एक सेकंड के अंदर होगा। चलो कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, खाली प्रूफ करना, ये लाइन दिया है और कुछ नहीं दूंगा। अरे कुछ भी करना दबट में हो जाएगा, मुझे मालूम सब करा चुका हूँ फिर भी नहीं हो पा रहे ना, कोई बात नहीं। इन दैट जॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, भाई सेंटर है ओ, समझ में आ गई बात, एंगल ए ओ सी 160 दे दिया गया, प्रूव दैट, जो प्रूव करना है वही लाइन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमें बेसिकली देखो ध्यान से 3y और 2x दे दिया गया, यानी अगर हमें x और y एंगल मालूम चल जाए, कौन से x और y, वो यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे इतने पार्ट में और आंसर आ जाएगा हमारा सही। हमें बेसिकली क्या करना है, इस डायग्राम से क्या निकालना है, x और y की वैल्यू, सही। चलो बताएंगे अब तुम लोगों से पूछेंगे, तीन लोगों से नहीं, कोई नहीं बोलेगा बेटा, सीखने दो, सिखाने दो इनको, इनको बहुत तेजी से आगे बढ़ाना मुझे। चलिए अगर ये पहले बताइए एक्स कितना होगा, 80 तुमसे पूछा था सर, बताओ अगर नहीं आता तो कहते सर नहीं समझ आ रहा, बताइए हम बता देंगे। 160 का हाफ पक्का तुम्हें नहीं आया, देखो ये x एंगल बना कौन रहा है, ये x यहाँ बन रहा है, यहाँ से देखो यहाँ इस लाइन से इस लाइन के बीच का ये जो लाइन ली हमने, कलर बदलने जरा पेन का, ये जो लाइन ली, अरे कोई बात नहीं, नया नया ये सही हो जाएगा, ये एंगल है ना x, तो ये x किस में बन रहा है, ये एक लाइन है ध्यान से देखो, ये एक लाइन, ये लाइन है और इस दो लाइन की बात की जा रही है, ये के बीच तो एंगल है ना, तो ये पॉइंट है ना ए, ए इसको बना रहा है और सी बना रहा है, ए यहाँ पे आके मिल गया, सी यहाँ मिल गया, तो एक्स बन गया, तो ए और सी क्या सेंटर पे मिल रहे हैं, वही सी देखो यहाँ पे मिला और वही ए यहाँ पे मिल गया, इसने एंगल बनाया 160, ठीक सही, वही दो पॉइंट मिलकर के सेंटर पे बनाते 160, तो उसका हाफ बनाएंगे सर्कमफ्रेंस पे, अभी थ्योरम पढ़ाई थी ना मैंने सही,
अब समझ आ गया? अच्छा जी, अब कोई बोलेगा नहीं वाई कैसे निकालेंगे, जिसको आता हाथ उठा ले एक बार। ठीक, तुम्हें आता है? गुड, चलो तुम बताओ। 160 160 होगा, 80 का डबल 80 का डबल, तुक्का सही है तुम्हारा, गलत है, हो सकता सही हो सकता गलत, पता नहीं, कंफ्यूज कर सकता हूँ मैं। तुम बताओ? नहीं पता तुम? कोई शर्म नहीं है, कह दो सर नहीं आता। ठीक, हम इसीलिए तो हैं बेटा, हम क्यों हैं यहाँ, आपको पढ़ाने के लिए तो हैं आपको, जब तक हमें आपकी सारी कमियाँ नहीं, आप बताएं आप लोग क्या करते हो, कम से कम एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हो कि मुझसे कभी आप कोई बात अपनी छिपाए नहीं, कभी मत छिपाइए, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक, चलिए देखिए ये कैसे आएगा, क्या करेंगे, हमने जो सर्किल में पढ़ा है देखो, उसमें ये सर्किल है, सर्कल है तो अरे है भाई रुक बना जाओ नहीं सकते बस, नीचे। नहीं सब सही है। ठीक है, अभी ये बोर्ड मतलब कॉन्फ़िगर नहीं ना उस हिसाब से, ये सर्किल है लेकिन लग नहीं रहा अभी सर्किल कहीं से, बस बन गया। देखिए सर्किल ऐसे समझिए, यहाँ पे हमने कहा था कोई, अरे अरे भाई आ गया, कोई बात नहीं सेंटर काम कर जाएगा मेरे लिए। ये कोई एंगल था और हमने कहा यही पॉइंट अगर यहाँ पे मिलते हैं तो उसका आधा बना देते हैं, यानी अगर ये यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे होगा 2x, क्यों बेटा सही है ना। एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, तुमने आंसर दिया था सही भी दिया था लेकिन तुम्हें एक बात को पता नहीं इसलिए तुमने आंसर गलत दे दिया। ठीक, इफ अ कॉर्ड ए बी, इस कॉर्ड की बात कर रहे हैं या इस आर की बात कर रहे हैं, कॉर्ड ए बी और आर के बी, ठीक है सही, सबस्टेंड्स, इसकी जो हमने थ्योरम पढ़ाई थी क्या पढ़ाया था, एंगल सबस्टेंडेड बाई ए कॉर्ड एट द सेंटर, एंगल सबस्टेंडेड बाई द कॉर्ड एट द सेंटर इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सही, लेकिन कंडीशन में ये अप्लाइड है कि ये अपोजिट सेगमेंट में होना चाहिए, अपोजिट सेगमेंट क्या, जैसे कि यहाँ पे सेगमेंट के खेल है, ये थी लाइन हमारे पास ए बी, लाइन थी ना ए बी है कॉर्ड, इस कॉर्ड ए बी के दोनों तरफ होना चाहिए ऐसे ही, यानी ये जो एक्स बनना चाहिए वो ऊपर ही लेंगे फिर, नीचे नहीं ले सकते, इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम अपोजिट नहीं, इन द सेम सेगमेंट, फिर समझाते हैं इसी पॉइंट को, फिर समझाना है, आप घबराइए नहीं, आपको 4 बार पढ़ाऊंगा, जब तक समझ नहीं है तब तक समझाऊंगा, थोड़ा एंगल बढ़ा ले लेंगे इस बार। सही, यहां पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये 30 है, ये कितना होगा 60 होगा, सही है ना, सही, ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में होने चाहिए, यानी कि ये जो कॉर्ड ए बी था इसके एक ही तरफ है, ध्यान से देखो जरा, एक ही सेगमेंट में है ना दोनों एंगल, ठीक, एंगल मस्ट लाई इन द सेम सेगमेंट दोनों एंगल, क्लियर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो गया, ये ए बी, अगर हम ए सी कॉर्ड बना लें, ये ऐसे ऐसे बना ले सीधे सीधे, तो ये एंगल 80 तो बन गया सही, और ये जो 60 160 था ये भी ऊपर ही आ गया, इसके ऊपर दोनों एंगल आ गए, इसमें तो लग गई प्रॉपर्टी वो, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे ये अपोजिट सेगमेंट का खेल हो गया, सेगमेंट कैसे अपोजिट हुआ इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ अलग से। ऐसे देखो एसी मिला दिया, दोनों एंगल ऊपर ही है ना, 160 और एक्स इस एसी लाइन के ऊपर है कि नहीं, यानी सेम सेगमेंट में लग गई प्रॉपर्टी हमारी,
लेकिन अब अगर हम इस 160 को कंसीडर करें और इस y को कंसीडर करें, तो 160 है AC के ऊपर, ध्यान से देखो 160 AC के ऊपर है और ये y AC के नीचे बन रहा है, अपोजिट सेगमेंट में हो गया ना। AC कॉर्ड ने सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया, अब मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट है ऊपर वाला आपके, अच्छा आप जो देख रहे हो उसके हिसाब से नीचे, ठीक है, ये है मेजर सेगमेंट नीचे वाला, एक ही सेगमेंट है ना, ये एक ही सेगमेंट में है इसलिए वो थ्योरम लग गई। लेकिन अगर हम इन दोनों का एंगल को कंसीडर करें, इसको और इसको, तो एक उधर है लाइन के और एक इधर है लाइन के, इसलिए ये अपोजिट सेगमेंट में है। किस में है? अपोजिट सेगमेंट में है। अपोजिट सेगमेंट में जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, कैसे एंगल की वैल्यू निकालते हैं, बताने दो उन्हें जरा। तो ये तो समझ में आ गई बात भाई, ये 80 होगा, नो प्रॉब्लम, सही है, सही। तो एक तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, कि अगर हम ये वाला निकालना चाहें अपोजिट सेगमेंट वाला, तो 180 माइनस ये कर लें जो भी हो यहाँ, या 180 माइनस इसका हाफ, ठीक। जैसे एक सर्किल हमने बनाया, ये हमने बनाया एंगल यहाँ पे, इसको हमने कहा 60 बाई ए, समझते चलना ध्यान से, और यही कॉर्ड यहाँ बना लें एंगल नीचे, फिर से यहाँ ज्वाइन कर लें, सेगमेंट बदल गया ना, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, देखो तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, नहीं ये 60 है, निकालेंगे कैसे, बात समझ लो पहले, इसको निकालना सिखाना मुझे। तो ये एंगल यहाँ कितना बनाएंगे, 30 बनाएंगे, 60 है ना, ऊपर 30 बनाएंगे, ठीक। 180 में से इसके हाफ को माइनस कर देते हैं, ये जो एंगल होता है ये होता है 180 माइनस हाफ ऑफ x, यहाँ पे जो भी एंगल था, अगर हमने कहा x है तो हाफ ऑफ x, x बाई टू, 180 माइनस x बाई टू, ठीक, क्लियर। अब ये आता कैसे वो समझाए जा रहे हैं, ये हमें कैसे पता चला यही होगा, ठीक है, इसका प्रूफ क्या है देखते हैं। अगर ये 160 है तो ये कितना होगा, पूरा 360 होता है, ये हो गया 200, सही। तो अब ध्यान से देखो, अगर हमने अब लिया ये 200, तो इसके सामने ये एंगल, अब ये सही हो जाएगा, 200 का हाफ ले लो 100, ये वो उसमें थ्योरम लग जाएगी, क्यों, इन दोनों का सेगमेंट एक ही है, ध्यान से देखो, ऐसे ज़्यादा इजी ना, ठीक। यानी कि अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये एंगल मानेंगे, अगर ये ले लेंगे तो इसके सामने फिर ये एंगल मानेंगे, सही है, क्लियर। एक इसका और आसान तरीका, इससे भी ज़्यादा आसान, हम जानू भी पहले आपको कठिन पढ़ाते हैं, आसान बाद में बताते हैं, नहीं तो आपकी आदत खराब हो जाएगी। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, इसका इसका सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। तो अगर ये x है और ये y है तो दोनों का सम कितना हुआ, 180। ये अगर 80 है तो ये कितना हुआ, 100, सही, क्लियर। ये भी 9th में थी ये थ्योरम, ठीक। अपोजिट सेगमेंट, सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, क्लियर। क्या होता है, जब कभी कोई क्वाड्रिलेटरल कैसा हो, साइक्लिक हो, यानी उसके चारों वर्टिसेस किस पर हो, सर्किल पर हो, तो अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री, इज दैट क्लियर। एक अगर x है तो दूसरा y कैसे होगा, 180 माइनस x, आप कर सकते, क्लियर हो गया, सही। तो अब जरा इस क्वेश्चन में बताते हैं, y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 100, 3 इंटू 100 y कितना हो गया, 300 माइनस 2 इंटू 80, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया बस, 300 माइनस 160 कितना हुआ, 140, दैट इज आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, खत्म। समझ आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर से ये x और ये y, इनका सम हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटर कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रेटर है, साइक्लिक क्वाड्रेटर के सम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। ये अगर x है तो ये 180 माइनस x होगा, ये अगर 80 निकल के आया था तो ये 180 माइनस 80 करोगे तो 100 आ जाएगा,
ठीक है, आगे देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, भाई सेंटर है मान लिया। पी बी ए 45 डिग्री, ओके। कैलकुलेट पी क्यू बी, बस पी क्यू बी भी आ जाइए, बस पी क्यू बी कहाँ है भाई, ये पी क्यू बी, ये एंगल निकालना है बस, ठीक है। ओ सेंटर है, सेंटर क्या है ओ, ये कोई कॉर्ड थी ए बी या आर्क ए बी, उसने सेंटर पे कोई एंगल बनाया, हमने कहा ये 2x है भाई, क्या है ये 2x है, वही ए बी अगर यहाँ पे एंगल बनाएगी, सर्कमफेरेंस से बन रहा है ये, तो कितना एंगल होगा कौन बताएगा, x होगा, ये 2x है तो उसका आधा x, ठीक। एक अगली थ्योरम होती है, इसमें कहा जाता है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्या होता है अगली थ्योरम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब अगर ये ए बी यहाँ कहीं ज्वाइन हो जाए, ये ए बी यहाँ कहीं ज्वाइन हो जाए, कहीं भी ए बी को ज्वाइन करोगे सब कितने कितने होंगे, x x x ही होंगे, बात समझाइए। यानी कि ए बी कॉर्ड कहाँ कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी, लेकिन सेगमेंट सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेगमेंट सेम होना चाहिए, ठीक। सेगमेंट सेम होने मतलब ए बी के ऊपर हो, इस ए बी के या तो ऊपर हो सारे एंगल या तो सारे एंगल नीचे हो, वो आपस में बराबर होंगे, बात समझाइए, क्लियर। ये कहीं भी ए और बी पॉइंट ज्वाइन करेंगे एंगल एक्स ही बनेगा, सही पक्का। आगे देखते हैं इसके आगे, तो यहां पर एक तो ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एंगल इन द सेमी सर्किल आर 90 डिग्री, मतलब एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्किल मतलब अगर कोई पॉइंट है ये, तो डायमीटर हो गया, ऊपर वाला सर्किल क्या होगा सेमी सर्किल, नीचे वाला सर्किल क्या हो गया सेमी सर्किल, ये पॉइंट कहीं भी जुड़ेंगे, चाहे यहाँ जुड़ें चाहे यहाँ जुड़ें, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री ही होगा, यानी कि डायमीटर कभी भी एंगल बनाएगा तो कितना होगा वो 90 डिग्री, इज दैट क्लियर पक्का। चलिए ए और बी क्या डायमीटर है, ए बी बताइए, ए बी इज अ डायमीटर, तो यहाँ ए बी ने जो एंगल बनाया वो कितना होगा 90, यानी ए पी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू, आप बता सकते हैं क्या इन अ ट्राइंगल ए पी बी, एक एंगल 90 है एक एंगल 45 है, ये 45 है ये 90, तो ये कितना होगा 45 होगा, सही है ना, क्यों युवका जी पक्का सही, ठीक। एक कॉर्ड है पी बी, एक कॉर्ड है पी बी, दिखाई पड़ा, पी बी ने सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाया ए, दैट इज 45 डिग्री, ये एंगल कितना बनाया 45 डिग्री, किसने बनाया पी और बी ने, वही पी और वही बी यहां भी तो एंगल बना रहे हैं, वही पी और वही बी सही, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, समझ आया। युविका नहीं आया, अच्छा ये ए वाला 45 क्लियर है, ये नहीं समझ आ रहा, ये देखो पी बी एक कॉर्ड है बेटा, क्या है पी बी कॉर्ड, इस कॉर्ड ने एक बार यहाँ पे एंगल बनाया, वही पी बी एक बार यहाँ बना रही है, मैंने अभी आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, ये पी बी कहीं भी जुड़ जाए यहाँ जुड़ जाए तब भी ये 45 ही बनेगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब पी बी के ऊपर, अगर ऊपर बनाए तो ऊपर वाले पार्ट में, अगर ये नीचे इस पार्ट में होता तो इस पार्ट के सारे एंगल बराबर होंगे, सही। यहाँ अगर ज्वाइन कर जाए पी और यहाँ ऐसे ज्वाइन कर जाए बी, तब भी एंगल कितना होगा बेटा 45 डिग्री, सही पक्का। अब तो समझ आ गया कि नहीं आया समझ, अब बता लोगी, चलो बताओ ऐसे बैठ के बताओ, हाँ बता ना, ये कैसे 45 हुआ, समझा मुझे क्वेश्चन नहीं आता।
पहले ये बताओ ए कितना होगा, कैसे हुआ ये प्रूफ करो। तो वो पहले बताओ सेमी सर्कल क्यों हुआ, तो सेमी सर्किल कैसे हुआ है तो बताओ। हाँ तो ऐसे नहीं बोलो ना प्रॉपर कि ए बी इज अ डायमीटर, ठीक, दैट इज वाई ए पी बी इज अ सेमी सर्किल, ठीक, एंड एंगल सबसेंडेड इन द सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इंटर एंगल ए पी बी, वन एंगल इज 90 डिग्री अनदर इज 45, देन थर्ड एंगल मस्ट बी 45 डिग्री। ओके, नाउ एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 45 डिग्री मेड बाई एन आर्क और कॉर्ड पी बी, सेम कॉर्ड सेम आर्क विल ऑल्सो मेक द सेम एंगल इन द सेम सेगमेंट एट क्यू, पी क्यू बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। सही समझ आ गया, पक्का? ठीक, चलिए क्या करना है इसमें। इन द गिवन फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्किल, भाई ठीक है, मेजर बी ओ सी, चलो बस बी ओ सी निकालना है। सबसे बड़ा फायदा मेरा इस प्रोजेक्ट से और इस कहानी से, मुझे इतने बड़े बड़े डायग्राम बनाने नहीं पड़ते हैं। क्या निकालना है बी ओ सी, क्या निकालना है? अच्छा एक बात बताओ पार, तुम नहीं बोलना, ये बी ओ सी रहा ना, रुक जाओ, ये बी ओ सी की ये बी ओ सी क्यों ऊपर वाला क्यों नहीं? ऊपर वाला क्यों नहीं लेंगे बीओसी? चलिए आपको बता देते हैं, ऊपर वाला कभी भी बीओसी नहीं लेंगे, क्योंकि जब कभी कोई एंगल लेते हैं तो वो एंगल हम 180 से छोटा एंगल मानते हैं। जैसे ये एंगल अभी हमने देखा तो ये 180 से छोटा है, लेकिन अगर इस एंगल की बात करें तो ये 180 से बड़ा हो गया। क्या हो गया? 180 से बड़े एंगल को अगर यही पॉइंट है बी ओ सी, तो अगर हमें ये एंगल लेना है एक्स और वाई, तो वाई के लिए हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू रिफ, रिफ मतलब रिफ्लेक्स एंगल बी ओ सी। ये क्या हुआ, ये ऊपर वाला एंगल कैसा है? रिफ्लेक्स एंगल है बी ओ सी का, इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ बी ओ सी। लेकिन बी ओ सी किसको मानेंगे? जो 180 छोटा है। क्लियर? तो ऊपर वाले को नहीं मानने, क्योंकि उसने सिर्फ बी ओ सी लिखा है, मतलब रिफ्लेक्स बी ओ सी तो बोला नहीं। जब तक वो रिफ्लेक्स नहीं लिखेगा हम ऊपर वाला नहीं लेंगे इसको। सही, चलिए बेसिक क्लियर होते जा रहे हैं सबके। ये एंगल निकालना है, बहुत चिंटू क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बता सकते कैसे निकलेगा? अगर ये मालूम होता तो निकल आता ये। तो ये मालूम करो, एंगल ए को निकालना है, एंगल ए कैसे निकल सकता है? कोई ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा। अगर हम ए ओ को ज्वाइन कर दें, किसको ज्वाइन कर दें? क्या ये रेडियस है और ये भी रेडियस से बराबर है? बोलिए, ये लाइन और ये लाइन क्या बराबर है? ये अगर दो लाइनें बराबर, तो ट्रायंगल क्या आइसोसेलेस बन गया? ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस बनते ही एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये एंगल कितना हुआ? 30 प्लस 40 कितना हुआ? ये कितना हुआ? खत्म। सही, क्या हुआ? हमें एग्जाम थोड़ी देना है। क्यों सही है वैष्णवी, तुम बोल नहीं रहे, समझ नहीं आ रहा है या ज्यादा समझ आ रहा है? नींद आ रही है? नहीं। अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा भी नहीं है। कैसा है फिर? क्या समझ आया? चलिए एग्जाम्पल 4 हो गया है। कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं,
एक छोड़ दिया है छोटा सा क्वेश्चन अपने आप कर ले। अच्छा उसी का सोल्यूशन दिया है। देखिए एग्जांपल 5 है। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर आर द पॉइंट ऑन सर्किल विथ सेंटर ओ। ठीक है भाई सेंटर ओ है, पी क्यू आर 100, देन ओ पी आर निकालना है। कुछ नहीं बस ओ पी आर पे फोकस करो। क्या निकालना है? ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर कौन सा एंगल हुआ? ओ पी आर ये हुआ युविका बेटा, यही होगा कि कोई और होगा? पक्का? ठीक, ये एंगल निकालना भाई है ना। बताओ, बहुत पढ़ा दिया तुम लोग को, अब तुम लोग मुझे बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तुम करो, तुम करते रहो, तुम अच्छे बच्चे, इससे बाकी खराब और हम भी गंदे बच्चे। कम टू द पॉइंट, अभी मैंने पढ़ाया आपको अगर साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो सामने के एंगल का सम 180 होता है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। तीन चीज़ें तो हैं, तो हम इसको साइक्लिक बना लेंगे ऐसे खटाक से। हम भी कम चालू थोड़ी ना है। अगर ये 100 तो कितना हुआ है? 80। अगर ये 100 तो कितना हुआ? 80। सही समझ तो नहीं रहे हो? गुड। अगर ये 80 है तो ये कितना हुआ? 160। ठीक, समझते चलना जरा ध्यान से, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि रेडियस है दोनों। ये 160 है तो इसको क्या हम x और x मान सकते हैं? x प्लस 160 कितना हुआ? 180 हुआ। x की वैल्यू बताओ। खत्म। समझ में आया कि नहीं आया युविका? तुम्हें आ रहा है? नहीं आया? फिर से बताएं? तो तुम मुझे बताओ कैसे किया गया मैंने। बहुत बढ़िया पॉइंट है मेरा। एक सेकंड तुम मुझे बताओ, नहीं तो पहले मिटाओ 10 घंटे, बनाओ 10 घंटे, टाइम बहुत वेस्ट होता था। पता है यही चैप्टर पढ़ाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर्किल बनाओ पहले बोला, फिर डायग्राम बनाओ, फिर समझाओ, फिर दोबारा बनाओ। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी है ना। कुछ नहीं बनाना, बस सब बनाए। अब तुम बताओ, बता दो सरेंडर हो गई? सरेंडर, आप समर्पण करते हैं सर आपके सामने हम। साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाएंगे। हाँ बना लिया फिर? हाँ हाँ बना लिया। आगे फिर वो वाला आएंगे 100। हाँ फिर सही। जो यहाँ पे बनेगा वो कितना बनेगा? क्यों 80 होगा? क्योंकि वो 180 होता है, दोनों का सम 180 होता है। हाँ सही, 80 होगा। शाबाश। 100 तो वो 80। और फिर वो वाला एंगल, उस वाले एंगल का नाम बताओ जिसके अंदर बात कर रहे हो। पी ओ आर। हाँ पी ओ आर 160। सही 160 हो गया। अब और फिर सर पी ओ और ओ आर दोनों रेडियस हैं। हाँ तो वो जब वो तो दोनों एंगल बराबर होंगे x और x। x और x फिर x plus x और वो वाला 160 था। इज इक्वल टू 180। हाँ वहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया। सही। ओरल क्वेश्चन लगा रही तुम बिना पेन चलाए, है ना? मैथ तो ऐसी होनी चाहिए ना। मेंस्ट्रुएशन कुछ नहीं सिखाऊंगा बिना कैलकुलेट करने करना तरीका। कैलकुलेट ही नहीं करता मैं, वो तो मैं सिखाऊंगा। तुम कैसे में मेंस्ट्रुएशन में पढ़ाएं तो मुझे तब मजा आएगी। चलने दो स्कूल वाले, चलने दो। इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्रायंगल। भाई ठीक है ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है एबीसी, इन विच बीएसी 30 डिग्री शो दैट। प्रूफ करना है BC equals द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक
रुक जाओ, बी सी इक्वल्स द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल। अरे बहुत आसान है इसमें, इसमें क्या है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता है, देखते खत्म क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन पहले क्या कहा गया, कहा गया एंगल 30 है, प्रूव दैट बी सी इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल है ना ये, क्योंकि ये तीनों तीनों टच करके जा रहे हैं, इसलिए सर्किल सर्किल बोलते हैं इसे। इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो बी सी के बराबर होगी, ये प्रूव करना है आपको। बताओ कुछ भी लगाओ, इसकी साफ फोटो नहीं मेरे पास उस चैप्टर की, बना के भेज देना मुझे आज ही घर जाते ही, पहला काम पूरा चैप्टर आखिरी से लेके जहाँ से स्टार्ट है आखिर तक, उसके बाद जो उसका आंसर हो वो पेज भी बढ़िया पीडीएफ बनाना, सीधी सीधी स्ट्रेट, ठीक। सबसे पहले ओबीसी ट्रायंगल बना लेंगे। ओबीसी बना लिया हमने, लो तुम्हारे कहना है, तुमने कहा हमने बना लिया, एक मिनट रुको कलर चेंज कर देंगे बस तुम्हारे लिए, बना लिया। और सर जब वो 30 है तो एंगल वो एंगल बीओसी 60 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा 60 मान लिया हमने, शाबाश। आगे बताओ, खत्म अभी दो बार से वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये दोनों रेडियस होंगी बराबर होंगी, ट्रायंगल आइसोसेल दिख रहा है ठीक, ये एंगल एक्स एक्स मान सकते हैं, एक्स और एक्स, जरा एक्स प्लस 60 एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180, एक्स के लिए कितनी आई, दोनों 60 यानी तीनों 60 हो गए, 60 60 60 क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी BC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC हो गया, हेंस इट इज इक्वल टू रेडियस। खत्म, नाइस, ठीक अभी और नाइस दिखा रहे, खत्म हो गया ना क्वेश्चन, ये सब कहानी यानी बहुत लंबी चौड़ी थी, इसको अगर पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। देखो इन्होंने कैसे करके दिखाया क्वेश्चन, जिसका सलूशन है खैर आते हैं डायग्राम पे। अगला क्वेश्चन, देन एबीसीडी आर फोर पॉइंट्स ऑन सर्कल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, इफ बीसी 130 ईसीडी 20 फाइंड बीएसी, हमको बस बी एस सी निकालना है, बस बी एस सी फोकस कर ले, कहाँ है बी एस सी भाई, बी ए सी, देखो ध्यान से जरा, बी एस सी क्या यही है, yes, सही है क्यों, yes, सही पलक, ये एंगल 130 है, ये एंगल 20 दे दिया गया, इसमें सेंटर पता है नहीं पता, ठीक भाई, मजेदार क्वेश्चन आया ये तो। बताओ सर 110, अरे कैसे बताओ सर, वो जो लाइन है नाम बोलो, मैं इसमें डायग्राम में देख, सर बीडी है, हां बीडी का एंगल 180 होगा, तो 180 माने 130, बीडी का एंगल 180 होगा, मतलब बीडी में जो 130 दिया है, हां तो एंगल डीईसी 180 माइनस 130 हो जाएगा, ये एंगल तुमने निकाल लिया कितना हुआ 50, 180 में से 130 माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया 50 आ गया भाई, बिल्कुल सही बात है, शाबाश, ये 20 दे दिया गया, ये निकाल लिया इन्होंने, ठीक, ये कितना होगा, ये 50 है 20 है, ये कितना आया निकालो, 110, क्योंकि बी सी ही बना रहा है इसको, ध्यान से देखो बी और सी ही इसको बना रहे हैं, वही बी और सी यहाँ भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी 110 हो गया, खत्म, ओवरऑल क्वेश्चन आया सर, ये भी नहीं था ना,
क्वेश्चन नाइस था, मैं पढ़ा नाइस रहा हूँ। दोनों ये देखो गजब फंसेगा ही नहीं लड़का है तो किसी बात में मेरी। दो तीन बच्चे मेरी किसी बात में नहीं फंसते, बाकी पूरी क्लास मेरी किसी न किसी बात में फंस जाती है। चलो भाई कहाँ तक आ गए हम, 7 क्वेश्चन, 8 देखो, 8 देखते हैं बेटा, समझ आ गया जो क्या ऑब्जेक्शन करते हैं ना सर, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड मुझे समझ नहीं आया। बोल देना ठीक है, ऐसा ना हम चलते चले तुम लोग पीछे रह जाओ, मेन लोग तुम ही हो, ये सब बिल्कुल बेकार बच्चे हैं, पढ़ने वाले नहीं, तुम ही लोग अच्छे बच्चे खाले, तुम तीन लोग बस। इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी पास थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल इफ ओ सी ई 40 डिग्री। ओ सी ई 40 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है मुझे, अरे रुको तो, एंड ए ओ डी 75 ठीक है सेंटर, फाइंड सी डी ई, सी डी ई निकालना है एक तो ये और ओ बी ई, सी डी ई कहाँ, सी डी ई देखो ये वाला एंगल है सी डी ई है ना, और ओ बी ई, ओ बी ई यानी ये वाला एंगल, ये दोनों निकालने बस और कुछ नहीं दिया। ये एंगल कितना होगा बता सकते हो, क्यों, क्योंकि डीसी, डीसी क्या डायमीटर है, ठीक ये 90 है, ये 40 है तो ये 50 होगा ना हर हाल में, ये 50 हो गया, बस समझ आ गई, ठीक देखो ये 50 है, ये 75 तो ये निकाल सकते हैं, 180 माइनस 75 कितना होगा, ये 105, ये 105 है, ये 50 है तो ये नहीं निकाल सकते, ट्रायंगल DOB में, इन ट्रायंगल DOB एक एंगल 50, ये 50 है, ये 105 है, ये नहीं निकाल पाओगे, 25 बता, ओवरऑल क्वेश्चन लग रहे हैं, सही समझ आ गया बात, ज्योमेट्री मैंने पहले कहा था मैं बस क्वेश्चन का डायग्राम बना हो, मुझे टाइम नहीं लगे क्वेश्चन कराने में, मुझे डायग्राम बनाने में टाइम लगता है बस, सर्किल में और टाइम लगता है। हाँ ये डायग्राम देखो बोर्ड पे, टैंजेंट वाले क्वेश्चन बनाते हैं, हाँ टच ही नहीं कर रही, देखो भाई किसमें क्या, इन द एडजेसेंट फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल भाई, ठीक है पढ़ो तुम लोग पहले, हरी को मिटाए ये हाई लाइन फालतू में लिखा रही, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ठीक है, ओ सेंटर भाई ठीक है, बी डी इज इक्वल टू ओ डी, बी डी, बी डी कहाँ है भाई, बी डी ये है, अरे बी डी क्या है भाई, ये लाइन है बी डी, अरे इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी कहाँ है, ये ओ डी ठीक, सी डी इज परपेंडिकुलर, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी सही है, फाइंड सी ए बी, सी ए बी ये एंगल निकालना है, जरा बड़े पे आ जाओ बस तुम बड़े स्केल पे हो जाओ। ये एंगल निकालना एक्स मान लिया, ये हर हाल में 90 होगा पक्का, बताएं शुरू करें, ट्राई कर लिया, देखो देखिएगा अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और ये 90 था ना, ये एक्स था निकालना है। अच्छा ये बताओ ये सेंटर ओ दिया था, ये साइडें बराबर हैं, ये एंगल कितना होगा एक्स, एक्स अगर ये नहीं इसको वाई वाई मान लेते थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए आपको, ये वाई वाई ठीक, क्या इसका नाम, इसका नाम था इसमें बी और डी, क्या ओ डी और बी डी बराबर हैं, क्या ओ डी और बी डी, सॉरी ओ डी और ओ बी रेडियस है सर्किल की, तो ये बी तो वाई होगा, ध्यान से देखो क्योंकि ओ बी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है, दोनों रेडियस बराबर, तो ये जो बेस वाले एंगल इधर वाई है तो इधर भी वाई ही बनेगा, इसको हमने वाई माना था इसलिए ये तीनों बराबर हो गए थे क्योंकि ये आइसोसेलेस था इस, ये ठीक, तो इन अ नट सेल क्या हुआ, ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए
और जैसे ही बराबर हुए तो क्या हम इसे 60 60 60 मान सकते हैं? क्योंकि ट्रायंगल कैसा हुआ? इक्विलेटरल। बोलिए सही। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 का डबल 120, और ये वन या ऐसे समझ, इसको जरूरत नहीं है, ये सेम सेगमेंट, ये 60 तो ये भी तो 60 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये अगर 60 है तो ये भी तो सेम सेगमेंट में होगा, क्योंकि ये जो कॉर्ड है ए ए डी, ए डी एक आर्क है, ए डी नहीं तो बनाया है बी पे एंगल 60, है ना, वही ए डी मिला करके बना रहा सी पर एंगल, तो ये 60 60 बराबर होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अच्छा ये 60 है, ये 90 है, तो 30 हो गया खत्म। है ना सही। इससे पहले वाला जो मेथड पढ़ा है वो प्रॉपर मेथड है, क्योंकि अगर ये मेथड क्लिक नहीं करता है बाय चांस, या इसमें कुछ वैल्यूज में अल्टरेशन कर दे क्वेश्चन, तो फिर आपको उसी मेथड से निकालना पड़े। तो ये तो कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे बेस एंगल आपको 60 60 60 मिल गए, ठीक। अगर वो और कुछ कह दे, ये ओ से हटा दे सेंटर जरा, ये जो ओडी लाइन है ओडी को बस ओ से हटा दे, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, लेकिन वो मेथड लग सकता है। क्लियर? चलिए क्लियर हो गया ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? चलिए यहाँ तक मैंने आपको करा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। आपके पास बुक है? Yes. है ना, अब एक काम करिएगा, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखिएगा नहीं, दर एक्सरसाइज खोलिए, एक्सरसाइज खोलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक, 1 to 7 लगाइए, 1 to 7 आपको लगाना है, 1 to 7 लगाना है। और होमवर्क में क्या है, इसके जितने बचे हुए एग्जाम्पल है वो करना है, और आपके जो नहीं हो पाएंगे वो मैं सारे क्लास में करा दूंगा, ठीक सही। तो होमवर्क समझ आ गया, इसी सर्किल के जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं वो करना है, प्लस अभी क्लास वर्क में क्या करना, 1 to 7 क्वेश्चन। अब आप बुक खोलिए और पढ़िए।